आज ज्येष्ठ शुक्ल छठ गुरुवार 25 मई 2023 है। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन, तत्पश्चात करेंगे पुष्टि सृष्टि से आज के दर्शन। और जो दर्शन अभी आप कर रहे हैं यह श्री गोवर्धन नाथ जी की हवेली नमन टावर कांदीवली से नाव मनोरथ के दर्शन है। उल्लेखनीय है कि गतकल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी को प्रभु श्रीनाथ जी में जहाँ नियम का नाव मनोरथ होता है तो इसी भावना से पुष्टि सृष्टि की हवेलियों में भी यह मनोरथ होता है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वार स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों ज्येष्ठ मास की विशेष सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्का सा भाव कीर्तन का अवलोकन करें। पायन चंदन लगाऊ, पायन चंदन। सर्वप्रथम निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा, नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियाँ धराई गई हैं। और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। यह पिछवाई रुपहरी जरी की पतली किनारी के हाशिया से सुसज्जित है। पिछवाई के अलावा कादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सब पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से
एक पड़घा जी पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी और एक अन्य पड़घा जी पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई दो गुलाब दानियां भी पधराई गई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की त्रिष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो श्वेत रंग की ही मलमल के वस्त्र प्रभु को धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती और पटका धराए हुए हैं। राजशाही पटका और धोती दोनों ही वस्त्र रूपहरी जरी की किनारी से शोभायमान हैं, क्योंकि इन दिनों प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को उष्ण काल का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज श्वेत रंग की ही मलमल की छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है और सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज सीधी चंद्रिका धराई गई है, साथ ही मोतियों की लूम भी धराई हुई है। नित्य की भांति बाईं ओर शीश फूल भी धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा मोतियों के ही कर्णफूल धराए गए हैं और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई गई हैं। वहीं श्वेत पुष्पों की ही बिना थाग वाली दो माला जी हमेल की भांति धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज तीन कमल की कमल छड़ी धराई गई है और सुआ वाले वेणु जी भी धराए गए हैं। कटी पर प्रभु को ऐसे ही वेत्र जी भी धराए हुए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उष्ण काल का और गोटियां हकीक की पधराई हैं। इन सभी साज वस्त्र श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। कौटिकंदर्प लावण्यमय प्रभु की इस सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई गई यह आरसी रजत की कलात्मक रूप से सिद्ध की हुई आरसी है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में दीन जान मोहे दीजे श्री यमुना जी, राजभोग में जमुना तट नव निकुंज द्रुम, आरती में अरि अबला तेरी बल हिम, शयन में धन धन हो हरिदास राई, मान के पद में राधिका आज आनंद में डोलें, पौढ़वे के पद में कुंज में पोढ़ें रसिक पिय प्यारी। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्ण काल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। इनके साथ खस का बंगला, फूल की मंडली आदि भी होती हैं। प्रभु को कली के श्रृंगार भी अंगीकार करवाए जाते हैं। यदि आप भी चाहें तो मनोरथी के रूप में प्रभु की यह सेवा कर सकते हैं। शीतल पवन की सेवा के तहत खस के पंखा और भीने वस्त्र करके झपट की सेवा भी होती है। शीतल जल की सेवा के तहत
प्रभु के सन्मुख फंवारे चलते रहते हैं। जल में खिलौनों वाला यमुना थाल भी पधराया जाता है। भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाकघर में सिद्ध की गई सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनवसर के समय शीतल अरोगाया जाता है, जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं और डोल तिवारी में हर घंटे शीतल जल से छिड़काव किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा तिलकायत श्री के सानिध्य में सुखेन संपन्न हो रही हैं। सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। हर कृष्ण मिलनांतरायम्, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपुरी के, कुरु भक्तिरायम्। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। मधुपकुल कलित कमलावली व्यपदेश धारित श्री कृष्ण युत भक्त हृदय, सतत मतिशयित हरि भावना जात, तत्सारूप्य गदित हृदय। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। निज कूल भव विविध तरु कुसुमयुत नीर शोभया, विलस दलि वृंदे स्मारयसि गोपी वृंद पूजित, सरसमीशव पुरानंद कंदे। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। उपरिवल दमल कमला रुणद्युतिरेणु परिमलित जल बड़े नामुना, ब्रज युवति कुछ कुंभ कुमुकुमा, रुण मुर स्मार यशिमार पितुर धुना। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। अधिरजनी हरिविरत भिक्षु तुम कुवलयाभिद सुभग, नयनान्युषति तनुषे नयन युगमल्पमिति बहुतराणी चितानि, रसिकता निधि तया कुरुषे। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। रजनी जागरज नित राग रंजित नयन पंकजे, रहनी हरि मीक्षशे मकरंद भयमिसेणा, नंद पूरिता सततमिय हर साश्रु
मुंचशे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने तटगतानेक सुख शारिका मुनिगण स्तुत विविध गुण सीधु सागरे संगता सततमी भक्त जनता परिति राजसे रास रस सागरे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने रति भर श्रम जलोदित कमल परिमल ब्रज युवति जन विरति मोदे ताटंक चलन सुनिरस्त संगीत युत मद मुदित मधुप कृत विनोदे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनांतरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निज ब्रज जनावनायत गोवर्धने राधिका हृदय गत कर कमले रतिमति सहित रस विठल शासु रतिमति सहित रस विठल शासु कुरु वेणु निन दावान सरले नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनांतरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने ब्रज परी दृढ़ वल्लभे कदा त्वचरण सरोरुव मीक्षणास्पदं मे तव तटगत वालुका कदाहं सकल निजांगता मुदा करिषे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने वृंदावने चारु बृहद्वने मन मनोरथं पूरय सूरसूति दृगोचर कृष्ण विहार एव स्थिति त्वदीये तट एव भूयात् नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनांतरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी काम पूरी के कुरु भक्तिरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनांत रायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने I'm sorry.
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।